भारत देश में प्रदूषण एक भीषण और विकराल समस्या का आकार ले रही है। विश्व के 20 अति प्रदूषित शहरों में हमारे देश की राजधानी दिल्ली का नाम भी शामिल होना निश्चित तौर पर एक गंभीर चिंता का विषय है। दिल्ली में आजकल वाहनों की आवाजाही में आम जन जीवन की सांसों में जहर घुल रहा है। इससे बचने के लिए देश के मशहूर वैज्ञानिक रविंद्र कुमार की अगुवाही में दिल्ली के मथुरा रोड स्थित CSIR में नेशनल कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें विश्व के अलग अलग देशों के वैज्ञानिकों ने हिस्सा लिया। क्या कुछ कहना था वैज्ञानिकों का, आइए देखिए ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, सक्षम न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं सतपाल सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम सलाम इंडिया। सलाम इंडिया में बात करेंगे प्रदूषण की। आप अगर ध्यान से देखें तो हमने पहले पिछला वर्कशॉप किया, फिर दूसरा वर्कशॉप किया, मतलब ये एक हम काम करते जा रहे हैं और लोगों को इकट्ठा करते जा रहे हैं। पहले 25 आए थे, इस बार 40 इंस्टीट्यूशन आए हैं, तो धीरे धीरे हमारी संख्या बढ़ते जा रही है और लोगों में जागृति हम बढ़ाने का काम कर रहे हैं, लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। और बड़ी बड़ी समस्याएं जो है अकेले नहीं संभाल सकते हम, इसीलिए हम जोड़ रहे हैं ताकि हम लोग मिल करके काम करें। और 2-3 प्रोजेक्टों पर हम लोग ऑलरेडी काम शुरू कर चुके हैं, जिसकी मतलब जिसके लिए हम लोग प्रपोजल तैयार करने के स्टेज में है, फंडिंग के लिए अप्लाई करने के स्टेज में है। जैसे ड्राइविंग साइकिल का ही है, उस पर हम लोगों ने शुरू कर दिया है, कुछ ना कुछ काम जल्दी उस पर करेंगे। उसी तरह से मॉलिक्यूलर मार्कर है कि दिल्ली में प्रदूषण कहाँ से आ रहा है, तो हरियाणा से आ रहा है, राजस्थान से आ रहा है, नोएडा से आ रहा है, इसके ऊपर इशू है, तो उस पर भी हम लोग जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ काम शुरू करेंगे। तो ये कथनी और करनी में हम चाह रहे हैं कि अंतर ना हो, ताकि सब लोग एक साथ मिल के काम करें और उससे कॉस्ट हमारा कम हो। रिसर्च नेटवर्क की जो बात हो रही है, बहुत सारे लोग एक साथ आए हैं, हर एक की अपनी अपनी खूबियाँ हैं, हर एक की अपनी अपनी काबिलियत हैं, उनको जोड़ के मुझे लगता है कि ये मूवमेंट जैसा एक तैयार होगा। सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, एक मूवमेंट जिसमें हमें मालूम पड़े कि किस स्थिति में किस वाहन में कैसे चलाकर क्या प्रदूषण बढ़ता है। रेट्रोमीटर सर, आपने कुछ अंदर बात हो रही थी, रेट्रोमीटर जो गाड़ियों में लग के एडजॉर्व करके निकलती है, तो क्या वो गाड़ी के साइलेंसर पे लगने से क्या रेट्रोफिटिंग की बात करें ना, देखिए रेट्रोफिटिंग जैसे इन्होंने बात की थी SCR सल्फर कैटलिटिक रिडक्शन, आज के दिन जो प्रदूषण हो रहा है वो तो हो ही रहा है। अब गाड़ियाँ तो चलेंगी, हम किसी को नहीं कह सकते कि आप गाड़ियाँ निकाल के फेंक दीजिए, नई गाड़ी ले लीजिए। तो जो गाड़ियाँ रास्ते पे हैं और जिनसे हमें मालूम है कि प्रदूषण हो रहा है, उनको सुधारने के लिए ऐसे तरीके कुछ अपनाने पड़ेंगे। एक और जो लास्ट चर्चे में बात हुई कि पोल्यूशन अंडर कंट्रोल, PUC चेक जो है वो ठीक से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि PUC चेकिंग नाम के वास्ते हो या ठीक से ना हो या लोग जाए ही ना, क्योंकि पकड़ने वाले नहीं हैं, या तो जो पकड़ने वाले हैं वो भी ठीक से इतनी सारी गाड़ियाँ पकड़ नहीं पाते। मेरा नाम डॉक्टर पूर्णिमा परिदा है, मैं ट्रांसपोर्ट प्लानिंग डिवीज़न में वैज्ञानिक हूँ। ये वर्कशॉप बहुत ही महत्वपूर्ण है आज के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि दिल्ली को भारत में सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटी बताया जा रहा है और पूरे मतलब भारत में 10 सिटी हैं जो बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूटेड हैं, तो हमें कुछ तो करना ही होगा। और ये वर्कशॉप एक कदम है इसकी तरफ, जहाँ सारे लोग मिलकर एक मेथडोलॉजी डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है जिससे कि हम वाहनों से होने वाला प्रदूषण को कम कर सकें। DC, and I'm here to support the initiative of the Urnover Workshop, which is to develop a collaboration amongst researchers in the Indian community looking at reducing vehicular pollution. And I think there's some big steps that have been taken to do that, most recently with the introduction of आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, बदले सोच समय के साथ।